आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनर्जन्म की कहानियाँ तो आपने लोगों से सुनी ही होंगी, पर क्या आपने कभी किसी नागिन की कहानी सुनी है? शायद नहीं सुनी होगी, और ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है। उस लड़की का दावा है कि उसे पता है कि वह अपने पूर्व जन्म में क्या थी। लड़की ने जो दावा है किया है वह सभी को चौंका कर रख देगा। गांव के लोग इस लड़की को नागिन मानकर इसकी पूजा करते हैं। रचना बताती है कि पूर्व जन्म में वे एक नागिन थी, 20 साल पहले चरवाहों के एक समूह ने मारकर जला दिया था। रचना का कहना है कि उस जन्म में उसका पति नाग अब भी जिंदा है। उस नाग की वजह से अक्सर उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। रचना के पिता ने बताया कि वे अपनी बेटी को ठीक देखना चाहते हैं। एक आम पिता की तरह उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता है। रचना के इस बर्ताव ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कई बाबाओं और ओझा से रचना का इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ है।